नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक करेंगे खबरों की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे पर हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने गोरखनाथ मंदिर में जनता दरबार लगाया। इस दौरान उन्होंने एक एक कर सभी लोगों की समस्याएं सुनी और मौके पर मौजूद प्रशासनिक अधिकारियों को त्वरित निस्तारण के आदेश दिए। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं गोरखपुर की। और करेंगे बड़ी खबर की ओर, बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। गोरखपुर दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दूसरे दिन जहां समापन समारोह में शामिल हुए मुख्यमंत्री, तो वहीं आपको बता दें कि एमपी शिक्षा परिषद का संस्थापक सप्ताह राज्यसभा के उपसभापति भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि सतीश महाना भी कार्यक्रम में मौजूद, बासगांव भी जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। पंडित जवाहरलाल नेहरू महाविद्यालय जाएंगे मुख्यमंत्री। सीएम बाबू चतुर्भुज सिंह की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं गोरखपुर से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे पर हैं और आज उनके गोरखपुर दौरे का दूसरा दिन। तो आपको बता दें कि आज वो कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। समापन समारोह में मुख्य तौर पर मुख्यमंत्री शामिल होंगे। उसके अलावा आपको बता दें कि एमपी शिक्षा परिषद का संस्थापक सप्ताह कार्यक्रम है। राज्यसभा के उपसभापति भी कार्यक्रम में शामिल। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी गोरखपुर से। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुभाष गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए। सुभाष, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे पर है, आज क्या कुछ खास रहने वाला है, क्या उनका शेड्यूल है? जी बिल्कुल जागृति, मैं बता दूं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे का आज दूसरा दिन है गोरखपुर में और सबसे पहले वो गोरखनाथ मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की और पूजा अर्चना करने के बाद वो जनता के बीच में गए, यानी कि जनता दर्शन कार्यक्रम में। वहाँ पे लोगों की समस्याएं उन्होंने सुना, समस्याओं के बाद तत्काल सुनने के बाद जो है अधिकारियों को निस्तारण का निर्देश दिया। आपको बता दें कि महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक सप्ताह समारोह चल रहा है, जो पूरे एक सप्ताह से चल रहा है, उसका आज समापन समारोह है, जिसमें राज्यसभा के उप सभापति हरिवंश नारायण जो है यहाँ पे मुख्य अतिथि हैं और विधानसभा अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के सतीश महाना मुख्य वक्ता हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। तो महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज में यह कार्यक्रम चल रहा है। आपको बता दें कि 52 यानी कि 91 वर्ष हो गए इस संस्था को चलते हुए। 1932 में यहाँ पे जो है ब्रह्मलीन गोरख पीठाधीश्वर महंत दिग्विजयनाथ ने इस महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की जो है पहले स्कूल की जो है स्थापना की थी और आज लगभग 52 कॉलेज और विद्यालय यहाँ पे हैं। आज के तहत जो है जो यहाँ पे मेधावी छात्र हैं और शिक्षक हैं उनको जो है यहाँ पे बकायदे जो है आज पुरस्कृत किया जाएगा। कार्यक्रम चल रहा है और सभी सभी जो है पहुंच चुके हैं यहाँ पे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। गोरखपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर में कार्यक्रम के समापन समारोह में शिरकत करेंगे। और रुख करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर, फिरोजाबाद दौरे पर अखिलेश यादव। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे, अखिलेश यादव आज मंडलीय महापंचायत में शिरकत करेंगे। इसके अलावा पाल भगेर समाज की मंडलीय महापंचायत आयोजित की जा रही है, जहां पर अखिलेश यादव आज शामिल होंगे। साथ ही आपको बता दें कि टुंडला के प्रभात कोल्ड स्टोर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। 2:30 बजे जेएस यूनिवर्सिटी जाएंगे अखिलेश यादव। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी तौकीर किदवई हमारे साथ जुड़े। तौकीर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, अखिलेश यादव आज फिरोजाबाद दौरे पर हैं, कई कार्यक्रमों में वो शिरकत भी करेंगे, फिलहाल क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? देखिए, फिरोजाबाद, कन्नौज और आसपास के जो जिले हैं यहाँ पर समाजवादी पार्टी का काफी प्रभाव रहा है और यही वजह है कि लगातार अखिलेश यादव ऐसे जिलों में दौरा करते रहते हैं जहाँ पर अपनी जमीन को फिर से वापस लाने की कोशिश है। फिलहाल आपको बता दें कि कल अखिलेश यादव ने प्रेस वार्ता की थी और उसमें इस बात का जिक्र किया था कि कन्नौज के उनके जो जिला प्रभारी हैं उन्होंने वहां पर मतदाता सूची में जब अपने लोगों का नाम चढ़ाना चाह रहे हैं, वहां पर जो नए लोग हैं या ये कह सकते हैं जो नए वोटर्स हैं उनके नाम चढ़ाने की जा रहे हैं, तो वहां पर
अधिकारी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और कभी सर्वर डाउन की परेशानी या कभी अन्य कारणों से नाम नहीं चढ़ पा रहे हैं। यानी कि उन्होंने उनको साफ तौर पर कहना है कि जो प्रशासनिक अधिकारी है वो वहां पर जो नाम चढ़ाने की प्रक्रिया है उसमें समाजवादी पार्टी के लोग जब जाते हैं तो वहां पर नाम नहीं चढ़ाते हैं। तो फिलहाल जो साफ संकेत है कि जो कन्नौज है, फिरोजाबाद है और इसके अलावा जो इटावा है, मैनपुरी है, ये ऐसे जिले हैं जहां पर समाजवादी पार्टी पहले चुनाव जीतती रही थी लोकसभा का, लेकिन बाद में तो ये सीट इनके हाथ से चली गई। यानी कि यहाँ पर जो उनके परिवार के लोग हैं इस बार मैदान में होंगे और अखिलेश यादव इन जिलों को मजबूत करने में पूरी तरह जुटे हुए हैं। बिल्कुल तौकीर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां अखिलेश यादव आज फिरोजाबाद दौरे पर हैं, इस दौरान वो कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे और खासतौर पर आज वो एक मंडलीय महापंचायत में भी शामिल होंगे। लखनऊ से बड़ी खबर, बीएसपी के वरिष्ठ पदाधिकारियों की बैठक, मायावती की अध्यक्षता में होगी महत्वपूर्ण बैठक। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रही, जहां विभिन्न राज्यों के पदाधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे। खासतौर पर 2024 के चुनाव को लेकर इस बैठक में मंथन होगा, उम्मीदवारों के चयन को लेकर भी आज की इस बैठक में चर्चा की जाएगी। ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां बीएसपी सुप्रीमो मायावती की अध्यक्षता में आज बीएसपी के वरिष्ठ पदाधिकारियों की ये बैठक होनी है। आपको बता दें कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे और कई राज्यों के पदाधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे। 2024 के चुनाव को लेकर इस बैठक में मंथन किया जाएगा और साथ ही उम्मीदवारों के चयन को लेकर भी आज की इस बैठक में चर्चा होगी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनूप कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ गए। अनूप, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आज बीएसपी की महत्वपूर्ण बैठक होनी है, किस वक्त ये बैठक शुरू होगी और मुख्य तौर पर आज कौन कौन इस बैठक में मौजूद रहेगा? देखिए जागृति, आज बीएसपी सुप्रीमो मायावती दो चीजों को लेकर बैठक बुलाई है। खासकर देश के सभी राज्यों के जो पदाधिकारी हैं आज इस बैठक में शामिल होंगे और अभी आपने देखा होगा हाल में ही 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं, उसमें बीएसपी का जो प्रदर्शन बहुत ही खराब रहा है। मध्य प्रदेश में खाता भी नहीं खुल पाया, राजस्थान में जो सीटें थी वो कम हो गई, यानी कहीं ना कहीं जो बीएसपी का जो जनाधार है वो कम हुआ है। आज महत्वपूर्ण बैठक में सबसे पहले चर्चा होगी कि जो 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं, बीएसपी की स्थिति क्यों खराब हो रही, इस पर मंथन किया जाएगा। सभी राज्यों के पदाधिकारियों के साथ साथ वरिष्ठ नेता भी रहेंगे और आगे की क्या रणनीति अपनाया जाए ताकि 2024 का देश का चुनाव है उसमें बीएसपी का दबदबा रहे। खासकर जो प्रत्याशियों के चयन को लेकर के, क्योंकि प्रत्याशियों के चयन में कभी कभी बीएसपी का मानना है कि बेहतर चयन हो ताकि जो जो प्रत्याशी जिनकी लोकप्रियता है और अपने समाज में बीएसपी का जो बेस वोटर है उस उनके समाज में उनकी पैठ हो, ऐसे प्रत्याशी को प्राथमिकता दी जाएगी। और अगले महीने 15 जनवरी को मायावती का जन्मदिन मनाया जाता है तो देश भर में कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसको लेकर भी मायावती दिशा निर्देश देगी कि ज्यादा से ज्यादा अपने समाज के लोगों को, गरीबों को, जन कल्याण लोगों को ऐसे काम करें ताकि लोगों तक पहुंच सके। तो कुल मिलाकर आज दो मुख्य रूप से बातें हैं जिन पर आज मायावती दिशा निर्देश देती नजर आएंगी। सबसे पहले जो 5 राज्यों में हार हुई उसको लेकर के, फिर 2024 में क्या रणनीति अपनाई जाए कि जो मायावती का जो बीएसपी का जो बेस वोटर है वो उनसे भाग रहा है, क्या क्यों भाग रहा है, क्या वजह है और कैसे वो वोटर दोबारा उनके पास आएगा, इन सब चीजों पर आज गहनता से चर्चा होगी। 11 बजे पार्टी कार्यालय में मायावती पहुंचेगी और तमाम पदाधिकारियों से के साथ बैठक करेंगी। बिल्कुल, और ऐसे में पार्टी को किस तरह से मजबूती प्रदान की जाए, विशेष तौर पर ये एक अहम मुद्दा रहेगा कि जिस तरह से 5 राज्यों में हार बीएसपी को झेलनी पड़ी और कहीं ना कहीं जनाधार भी कम हुआ है, 2024 के चुनाव में किस तरह से अब रणनीति रहेगी, इस पर भी खासतौर पर मंथन किया जाएगा। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद अनूप हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। ये बड़ी खबर आपको बता रही, जो आपसे कुछ ही देर में बीएसपी की महत्वपूर्ण बैठक शुरू होगी, बीएसपी सुप्रीमो मायावती वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ ये महत्वपूर्ण बैठक करेंगे। अयोध्या का संत रविदास मंदिर परिसर मोदी की गारंटी का साक्षी बना, जब विकसित भारत संकल्प यात्रा मंदिर परिसर में पहुंची। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमारी सरकार माई बाप वाली नहीं बल्कि माँ बाप की सेवा करने वाली सरकार है। मोदी की गारंटी पर लोगों का भरोसा और साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि हर गरीब मेरे लिए VIP है।
सर हमारे हम लोगों ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत 10,000 का लोन मिला, उसके बाद 20,000 का मिला और अब 50,000 का मिला है, जिससे हम लोग आत्मनिर्भर हुए हैं। अपना कार्य हमने स्वयं शुरू किया, अपना बिजनेस, हमारी कैंटीन शुरू हुई है, उससे हम लोगों को बहुत लाभ मिला है। सर भगवान राम लला के प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी रामनगरी में जोरों के साथ चल रही है। भगवान के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भवन निर्माण समिति की बैठक प्रत्येक महीने में दो बार की जाती है, जिसके तहत भवन निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा की अध्यक्षता में ये बैठक हुई और कार्यदायी संस्थाओं के इंजीनियर और राम मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहे। सकते हैं कि गर्भगृह 95% बन करके तैयार है। कोटे का जो पूर्वी दिशा है उसका द्वार पूरा हो गया है, द्वार पर जो मंडप बनने का काम बहुत तेजी से चल रहा है वो भी यथाशीघ्र पूरा हो जाएगा। दोनों तरफ की भुजाएं द्वार की तरफ वो उनका निर्माण खंभे लग चुके हैं, आगे का निर्माण कार्य प्रगति पर है, वो भी समय के अंतर्गत पूरा हो जाएगा। अयोध्या में जो भगवान राम मंदिर का निर्माण हो रहा है उसकी प्रगति समीक्षा की जा रही है और अब तक की समीक्षा से हम आश्वस्त हैं कि 22 जनवरी को जो कार्यक्रम है प्राण प्रतिष्ठा का वो सही और पूर्ण रूप से और एक जो व्यवस्था के अनुकूल हो सकेगा, यह पूरा पूरा प्रयास है, आश्वस्त हैं और भगवान राम नए मंदिर में अपना स्थान लेंगे। एक तरफ अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोरों शोरों पर है तो दूसरी ओर धर्मनगरी में सूर्य स्तंभ लगाने का भी काम जारी है। रामनगरी के अलग अलग मार्गों के किनारे सूर्य स्तंभ को लगाया जा रहा है। करीब 32 फीट ऊंचे स्तंभ के शीर्ष पर सूर्य की आकृति देखने के लिए मिलेगी तो वहीं 40 सूर्य स्तंभ अकेले धर्मपथ के दोनों किनारों पर स्थापित किए जा रहे हैं। इसके साथ ही रामपथ और भक्तिपथ पर भी सूर्य स्तंभों को लगाया जा रहा है। धर्मपथ पे रेगुलर स्पेसिंग पे जो स्टार्टिंग पॉइंट है और एंड पॉइंट है लता मंगेशकर चौक के पास, वहाँ पे हम लोग सूर्य स्तंभ बना रहे हैं और इसके साथ साथ हमारे लगभग 90 हमारे प्लेटफॉर्म्स ये बनेंगे, साइनेज बोर्ड रैंप बढ़ेंगे, काफ़ी बड़े आपने देखा होगा, उस पर भी रामायण पर आधारित जो प्रसंग है उसको चित्रित किया जाएगा। म्यूरल पेंटिंग्स होंगे और इसमें बहुत सारे कलाकार लगे हुए हैं उसमें और अलग अलग डिफरेंट जो कलाकृतियाँ हैं उसको बना के वहाँ पर लगाया जाएगा। बिल्कुल उसमें काफ़ी ग्रैंड होगा और काफ़ी अच्छा लगेगा और जब ये निकल के आएगा तो आप उसको देख के देख सकते हैं, उसके बाद लोग फिर कमेंट करेंगे किस तरह का क्या उसका बेहतर लग रहा है, उसमें क्या इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। तो काफ़ी अच्छा है, हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट बनाया है काफ़ी अच्छा है और उसमें जो हमने बताया कि पूरे बोर्ड्स भी लगेंगे, काफ़ी चौड़ाई में रहेंगे, दोनों साइड में रहेगा, उसके बाद भी हम लोग उसका रोड वहाँ पर और चौड़ीकरण कर रहे हैं तो काफ़ी बेहतर दिखेगा उसमें। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां तेज हैं। मंदिर का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। रामलला की मूर्ति के साथ ही विशेष पोशाक भी तैयार की जा रही है, जिसे लेकर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी महाराज ने क्या कुछ कहा, सुनिए। भगवान श्री रामलला के लिए स्थान स्थान पर अनेक लोग सुंदर वेश बना रहे हैं, कोई गुजरात में बना रहा है, कोई अन्यत्र बना रहा है और हमारे पुणे में तो एक ऐसा वस्त्र बनाया जा रहा है जहाँ पर अनेक लोग आकर के दो दो धागे बुन करके और सुवर्ण के धागे बुन करके उसको तैयार कर रहे हैं। तो इनमें से हम लोगों को जो भी उस समय अच्छा लगेगा उस वस्त्र का स्वीकार करके हम भगवान रामलला को पधराएंगे। 10 दिसंबर को इस योजना का आरंभ होगा और 22 दिसंबर तक वो कपड़ा तैयार हो जाएगा, उसके पश्चात उसका भेष बना करके और भगवान श्री राम लला को धारण कराया जाएगा। अयोध्या में बन रहे भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के प्रथम तल का काम करीब करीब पूरा हो गया है तो वही मंदिर का गर्भगृह भी बनकर लगभग तैयार कर लिया गया है।
साथ ही आपको बता दें कि अयोध्या मूर्ति निर्माण कार्यशाला में राम मंदिर के लिए मूर्ति को तैयार किया जा रहा है, जिसके बाद श्री राम जन्मभूमि मंदिर में अगले वर्ष 22 जनवरी को दो मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। और रुक करेंगे दो मिनट में 10 खबरों का। मुजफ्फरनगर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन, लोक अदालत का शुभारंभ जनपद न्यायाधीश ने दी प्रज्वलित कर किया। जिला न्यायालय ने 3,29,808 मामलों को लोक अदालत में निस्तारण कर बनाया रिकॉर्ड। जल शक्ति मंत्री पहुंचे गाजीपुर, रोजगार मेले में बतौर मुख्य अतिथि की शिरकत, कहा बड़े पैमाने में कंपनियां उत्तर प्रदेश में आ रही हैं। इटावा में कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ भाजपाइयों ने किया प्रदर्शन, बीजेपी ने जमकर की नारेबाजी और फूंका पुतला, कांग्रेस के मोहब्बत की दुकान के नाम पर प्रचार अभियान पर कसा कर। अलीगढ़ में मुस्लिम विश्वविद्यालय लंबे समय से नॉन टीचिंग स्टाफ हड़ताल पर, अपनी मांगों को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे, कहा मुस्लिम विश्वविद्यालय की जिम्मेदारी अधिकारी पर, इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे के मॉन्ट टोल प्लाजा पर चेकिंग के दौरान पुलिस ने 2 करोड़ कैश किया बरामद, आयकर विभाग की टीम और पुलिस ने कैश किया सीज। फरुखाबाद में दबंगों के डर से मोहल्लेवासी पलायन करने को मजबूर, स्थानीय निवासियों ने घर के बाहर लगाए मकान बिकाऊ के पोस्टर, दबंग घर में घुसकर मारपीट की घटना को पहले दे चुके हैं अंजाम। एटा में ऑपरेशन त्रिनेत्र तीसरी आंख ने किया 4 लाख से ज्यादा की फर्जी लूट का खुलासा, सीसीटीवी कैमरे की मदद से एक फर्जी लूट की किया सफल अनावरण, पकड़े गए दोनों आरोपियों से पिकअप और 4,81,000 रुपए बरामद। एटा में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने बाइक में मारी टक्कर, बाइक सवार सहित एक अन्य महिला की मौके पर हुई मौत, दोनों मृतकों के शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा। उन्नाव में कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ बीजेपी ने खोला मोर्चा, बीजेपी जिलाध्यक्ष अवधेश कटियार व सदर विधायक पंकज गुप्ता के नेतृत्व में बीजेपी का धरना प्रदर्शन शहर के झंडेश्वर महादेव मंदिर परिसर में भाजपाइयों ने दिया था। उन्नाव में अवैध खनन करने वाले माफिया सुधारने का नाम नहीं ले रहे, राजस्व और पुलिस की टीम ने छापेमारी कर 3 डंपर को किया सीज, टीम ने सभी डंपरों को कब्जे में लेकर अचलगंज पुलिस के साथ की आगे की कार्रवाई शुरू। चलिए बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, आप रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।